हेलो दोस्तों, मैं आपका हेलो दोस्त अभय कुमार एक बार फिर हाजिर हूं अपने नए टॉपिक के साथ। अपने टॉपिक पे आऊं उससे पहले मैं आपसे को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे वीडियो को और कमेंट करें ताकि मैं और भी वीडियो आपके पास बना के लेके आऊं। इस बार का जो मेरा टॉपिक है वो बर्न से रिलेटेड है, मतलब जलना। ठीक है, तो जलने को कौन कौन से डिग्री में कैसे कैसे क्या इसको डिवाइड किया गया है वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो जैसे कि बर्निंग है, बर्निंग 3 डिग्री में है। मैं अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से चल रहा हूं। जैसे कि आप स्लाइड देख रहे हो, इसमें फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। तो फर्स्ट डिग्री में क्या होता है, फर्स्ट डिग्री में केवल जहां रेडनेस होता है, केवल रेडनेस होता है, अगर जलता है तो वो केवल रेडनेस अगर होता है, थोड़ा लालाहू हो जाता है और जलन, हल्का जलन महसूस होगा, उसे हम बोलते हैं फर्स्ट डिग्री। ठीक है, सेकेंड डिग्री, सेकेंड डिग्री में क्या होगा कि आपको थोड़ा रेडनेस महसूस होगा, जलन होगा और बबल आ जाएंगे, आपको थोड़ा सा बबल आ जाएंगे, तो वो हो जाएगा सेकेंड डिग्री। थर्ड डिग्री, थर्ड डिग्री में क्या होता है कि आपका ऊपर का स्कल थोड़ा जल जाता है और नीचे के जो मांस होते हैं वो भी थोड़ा अंदर, मतलब थर्ड लेयर तक वो जलता है। फर्स्ट डिग्री में क्या होता है, पहला लेयर जलता है। सेकेंड डिग्री में क्या होता है, जैसे कि आप इमेज यहां देख पाएंगे, इमेज में यहां पे क्या है, फर्स्ट डिग्री में केवल फर्स्ट लेयर, सेकेंड डिग्री में ये आपका सेकेंड लेयर तक जलता है। ठीक है, मतलब सेकेंड लेयर तक आपको इफेक्ट होता है। थर्ड डिग्री में आपको थर्ड लेयर, जो नीचे के आपके मांसपेशियां हैं वहां तक वो जलता है। तो ये डिग्री ऑफ बर्न हो गया। कभी कभी आप पिक्चर वगैरह या कहीं भी देखते होंगे, न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, तो उसमें डॉक्टर या कहीं लिखता है कि फर्स्ट डिग्री या सेकंड डिग्री इतना परसेंटेज बर्न है या थर्ड डिग्री इतना परसेंट बर्न है। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं उसके लिए भी मैं आगे चलता हूं अपने सेकंड स्लाइड पे। देखिए, ये आपको, जैसे कि आपको पता है कि इसको बोला जाता है 9% ऑफ बर्निंग, 9% ऑफ बर्न। जैसे कि मनुष्य के शरीर को 12 भागों में बांटा गया है, इच भाग को 99% दिया गया है, इच भाग को 99% दिया गया है, तो उसको, उसके लिए ये टोटल मिलके आपको 99% होते हैं और 1% जेनेटिक पार्ट होता है। जैसे हमारे, ये देखिए कर्सर मेरा है, ये अगर हम अपने गर्दन से ऊपर, गर्दन से ऊपर जो ऊपर का भाग है उसको हम क्या करते हैं, 9% देते हैं। गर्दन के ऊपर के भाग को हम 9% देते हैं। उसी तरह राइट हैंड को 9%, यहां पे आप देख रहे होंगे लिखा होगा 4.5%। तो 4.5% आगे का पार्ट है और 4.5 पीछे का पार्ट है। ठीक है, तो इसी तरह ये क्या है, 9% वन हैंड हो गया, राइट हैंड भी 9% और लेफ्ट हैंड भी 9%। उसी तरह अपना ये एब्डोमिन, जो मतलब ये वाला जो रेड कलर है, मन पेट के हिस्से से ऊपर और गर्दन के नीचे का हिस्सा, फ्रंट पेज का, फ्रंट साइड का आपको 9% और बैक साइड का भी 9%। इसी तरह पेट साइज का भी 9% और ये पीठ, पीछे जो पीछे का पीठ होता है उसका भी 9%। ये देखिए, आपको दिखेगा थाई, तो ये थाई नहीं, ये आपका लेग, ठीक है, 9% फ्रंट साइड का, इधर का भी 9% फ्रंट साइड का और फिर अगेन बैक साइड का भी 9% और इधर का भी 9%। मतलब आप एक समझ के चले कि वन लेग 18% और सेकेंड लेग 18%, तो ये टोटल 99% होता है और 1% जो जेनेटिक पार्ट होता है उसको 1% में रखा गया है, तो ये टोटल 100% हो गया। तो इसका
जो परसेंटेज ऑफ बर्निंग है ऐसे कैलकुलेट किया जाए, इसीलिए इसको बोला जाता है 9% ऑफ बर्निंग रूल। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।